फाइनली भाई यहाँ पर वीवो V20 के 2021 वाले एडिशन के ऊपर उसका नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज हो चुका है, वो भी इसी जून महीने के अंदर। एंड एकदम लास्ट में इन्होंने अपडेट दिया, बट इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा जो लेटेस्ट अपडेट आया है उस अपडेट के अंदर इन्होंने क्या कुछ सीन किया है, कहाँ कहाँ पर चेंजेस किया है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट है, तो वीडियो बस अंत तक देख देना। सबसे पहले बात करते हैं इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन की, जो है कहीं से पर 8.70.23 का अपडेट का साइज़ है 268 MB का। बाकी इस अपडेट के अंदर सबसे पहला काम आपको जो है यहाँ पर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जैसे कि उन्होंने मेंशन कर दिया अपडेट टू द जून 2023 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव योर सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है भाई यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड इंप्रूवनेस को लेकर, तो बेसिकली भाई यहाँ पर आपका जो फ़ोन है अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर लैग वगैरह कम करेगा एंड थोड़ा स्मूथ चलेगा, बट ऐसा नहीं है। जब भी मैंने इस अपडेट को कंप्लीट किया उसके बाद फ़ोन को यूज़ किया तो लगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा लैग इश्यू तो है, कुछ कुछ जगह पे फ़ोन यहाँ पर जिटर कर रहा है। बट इवन दो चीज़ बोलना चाहूँगा, बैटरी बैकअप मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है इस लेटेस्ट अपडेट के बाद। एंड एक और चीज़ है जो फ़ोन का ब्राइटनेस है, आई थिंक इन्होंने उसके अंदर कुछ किया है, अभी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा सही लग रहा है फ़ोन के अंदर। ये दो तीन इंप्रूवमेंट्स मेरे को इस नए अपडेट के अंदर देखने को मिले। बाकी ओवरऑल मिला जुला के बोलूँ तो भाई अपडेट एक एवरेज अपडेट है जिनको मिलेगा, आप ना यहाँ पर अपडेट वगैरह कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज़ के बारे में बात करूँ, यहाँ पर दो तीन चेंजेस है, मतलब दो ही चेंज है। सबसे पहला चेंज है भाई क्लॉक के अंदर, अगर आप यहाँ पर अलार्म साउंड वगैरह भी लगाने जाओ तो वहाँ पर अभी आपको एक स्पॉटीफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास स्पॉटीफाई एप्लीकेशन इंस्टॉल है या फिर स्पॉटीफाई का प्रीमियम अकाउंट है तो ही भाई आप जो यहाँ पर अलार्म साउंड वगैरह लगा सकते हो डायरेक्ट स्पॉटीफाई के थ्रू अपने फ़ोन के अंदर, जो नया देखने को मिला। नेक्स्ट भाई यहाँ पर एल्बम के अंदर आपको पता है कि एक हिडन करके ऑप्शन था जो हमको एंड्रॉयड 13 अपडेट के अंदर मिला था, बट अभी उस ऑप्शन का नाम चेंज करके उन्होंने कोलैप्स कर दिया। अब जैसे आप कोलैप्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ही भाई आपके सारे फोटोज़ वगैरह जो डायरेक्ट एल्बम से हिडन होंगे। तो दो चेंजेस हैं एंड जैसे मैंने बोला एवरेज से अपडेट है, मिले तो आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी और कुछ वीडियो का कहने का नहीं, वीडियो खत्म करते हैं, पसंद तो लाइक शेयर चैनल पर कर सकते हो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।